हेलो, अस्सलाम वालेकुम। और आज का टॉपिक जो है मेरा, कि कुछ वीडियोस मेरी नज़र से गुजरी हैं कुछ पिछले 2-4-5 दिनों में, और वो सब कुछ इस तरह थी कि एस्ट्रोलॉजी रोस्ट, एस्ट्रोलॉजी तवा, और उन वीडियोस को जो मैंने देखा है उस सब में यही था कि जिस एस्ट्रोलॉजी को हम जो है वो रोस्ट कर रहे हैं और एस्ट्रोलॉजी का दवा लगा रहे हैं, और उन वीडियोस में कुछ इस टाइप की बातें थी कि जी जो कुछ एस्ट्रोलॉजी करके वो इस्लाम के मुनाफी है, इस्लाम जो है वो इस चीज़ की इजाज़त देता है और इस्लाम, और इस तरह करके सब बातें की गई थी। तो सबसे पहले तो मेरा आप सबसे ये सवाल उठता है, यहाँ पर मैं बिल्कुल भी इस एस्ट्रोलॉजी को डिफेंड करने के लिए नहीं बैठी हूँ, लेकिन मेरा सबसे पहले तो ये सवाल मेरे दिल में उठ रहा था बार बार कि क्या इस्लाम हमें इस चीज़ की इजाज़त देता है कि हम किसी की इज्जत को सोशल मीडिया पे उछालें? क्या हमें इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त देता है कि हम, वो भी लड़कियों की इज्जत जो है वो, उसको उछाला जाए, उसको डिस्कस किया जाए बैठ के? मेरा मकसद इस टाइम इस वीडियो को बनाने का हरगिज़ ये नहीं है कि मैं एस्ट्रोलॉजी को डिफेंड करूँ। बेशक एस्ट्रोलॉजी में भी हज़ार बुराइयाँ होंगी, हम भी इंसान हैं, हमारे में भी हज़ार बुराइयाँ हैं, लेकिन क्या किसी की बुराइयों का, क्या किसी के गुनाहों का एलानिया इश्तहार करना जायज़ है? जो आप लोग सब कहते हैं कि जी वो इस्लाम के ख़िलाफ़ कर रही है, बेशक करती है, ठीक है, मान लिया जी, बहुत सी बातें उनमें बुराइयां हैं, मान लिया, दुपट्टा नहीं ले रही हैं, डांस कर रही हैं शादियों पे, ठीक है, आज़ाद ख्याल है, मैं भी आपके साथ एग्री करती हूँ। लेकिन आप ये सोचें कि अल्लाह पाक ने कहा है कि अगर किसी में गुनाह देखो तो उसको, उसकी पर्दापोशी करो, ना ये कि उसका जो है वो सोशल मीडिया पे सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ की खातिर, कि अगर आप एस्ट्रोलॉजी को जो है वो तवा लगाएंगे, उसको रोस्ट करेंगे, उनकी शादी की बातें, उनकी और चीज़ें उछालेंगे तो आप लोगों को व्यूज़ ढेर मिलेंगे। तो क्या व्यूज़ की खातिर क्या लड़कियों की इज्जत इतनी ही नाजुक है कि उसको सोशल मीडिया पे आके उछाला जाए? तो मैं तो आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि अल्लाह पाक जो है वो पसंद करता है कि अगर किसी में कोई ऐप देखो तो, कोई बुराई देखो तो उसको छुपा लो। मैं आपसे ये नहीं कहती कि वो ठीक काम कर रही हैं, मान लिया, मैं भी ये कहती हूँ कि जी वो डांस करती हैं शादियों पे, ये है वो है, ये गलत है। आप लोग ये चीज़ देखें, मुझे आप ये बताएं कौन सी शादी आज कल के दौर में ऐसी आप लोगों ने देखी है कि जो शादी हो रही है और उस पर जो है वो डांस नहीं हो रहे हैं? ऑलमोस्ट 90% 80% शादियों पर यही सीन हो रहा है। इस चीज़ के मैं भी आप अंदर से ख़िलाफ़ हूँ, मानती हूँ आपकी बात, लेकिन फिर वही बात है कि उनके किरदार की असैसिनेशन करना कि जी उनका किरदार ऐसा है, उनका बाप बेगैरत है, उनकी माँ ऐसी है। मैं पर्सनली उस फैमिली से मेरा मिलने का इत्तेफाक हुआ है, मैं उनकी शादी पे, मैं एक फंक्शन पे गई थी, मैं दो थी, आप यकीन कीजिए वो फैमिली बहुत डाउन टू अर्थ है, मतलब मिलने के लिहाज से आप देखें उनमें कोई गरूर नहीं है किसी किस्म का। और दूसरी बात ये है कि आप कहते हैं कि जी वो आज हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को बिगाड़ रही हैं, तो क्या एक एस्ट्रोलॉजी की वीडियोस अगर ख़त्म कर दी जाएं तो क्या हमारे माशरे से सब बुराइयां ख़त्म हो जाएंगी? क्या हमारे माशरे में कोई रिश्वतखोर नहीं रहेगा? क्या हमारे माशरे में कोई धोखादेही वाला नहीं रहेगा? क्या झूठ बोल, हम सब में बेपनाह बुराइयां हैं, हम सब अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारी उन बुराइयों को हमें जो है वो शिकस्त देने की तौफीक दे और हम लोग अच्छाई की तरफ आएँ, ना ये कि हम लोग उनको बैठ के सोशल मीडिया पर उछालें कि यार वो तो बड़े बेगैरत बाप है, वो तो बड़ा ऐसे है, उन्होंने तो शादी पे नाचा था, वो तो शादी के अगले दिन जो है वो नहा ली थी, अल्लाह माफ़ करे उसके बाल गीले थे। क्या आप लोग डिस्कस कर रहे हैं? शायद कि ऐसे देखा हो और बच्चियों ने देखा और सीन ऐसे गुजार दिए हों देख के, उनके दिमागों पे ना इस तरह की बातें आई हों, लेकिन आप लोगों की जो सोच है वो उसको इतना निखार के पेश कर रही है कि वो 10,000 वो पता नहीं कितने लोग जो हैं वो उन चीज़ों को देख रहे हैं। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि खुदा रा आप लोग जो है वो, आप कहते हैं कि जी हम माशरे की इस्लाह के लिए ये करें, आप लोग इस्लाह करना चाहते हैं, बिल्कुल अच्छी बात है। आपको क्या लगता है कि अगर आपका बच्चा कोई गलती करता है तो क्या आप उसे सारी दुनिया में महफिल के सामने डांटें या थप्पड़ लगाएं या उसको वो बात समझाएं, तो क्या वो इस बात को मानेगा? वो उल्टा ढीठ हो जाएगा, वो उल्टा और उस बुराई में इन्वॉल्व हो जाएगा। अगर आपने किसी की, आपका असल दिल से मकसद किसी की इस्लाह है, तो आप उसको अकेले में अपने बच्चे को समझाते हैं ना कि बेटा आप में ये गलती है, उसको दूर करो। अगर आपको इतना ही एस्ट्रोलॉजी का गम है तो आप लोग उसको मिलके, आप लोग उससे बात ये कर सकते हैं। जबकि मैंने यहाँ तक कई लोगों की ये बातें, व्यूज़ सुने, मैं बेसिकली किसी को ना डिस्कस कर रही हूँ, ना किसी का नाम लूँगी, ना किसी वीडियो का हवाला दूँगी, लेकिन मैंने यहाँ तक मेरे कानों ने ये बात तक सुनी है कि जी हम तो उनसे 6 मील दूर भागते हैं, वो तो इतनी ये हैं, वो मैंने उनकी वीडियोज़ देखी हैं,
उनमें एक आज़ाद ख्याल थोड़ी सी, या उनका बाप जो है वो उनका साथ उनकी एतमाद देता है उनकी शख्सियत को। पांच बेटियों को पालना आसान नहीं है, और अल्लाह जाने क्या कुछ नहीं आजकल के मुआशरे में हो रहा। उनमें किसी किस्म की बद किरदारी मैंने नहीं देखी, सिर्फ ये चीज़ है कि उनमें आज़ाद ख्याली है। वो ज़रा डांस की तरफ जो चली जाती हैं या दुपट्टा नहीं ले रही हैं, तो उस चीज़ का आप लोग इतना जो है वो लगा रहे हैं। बाकी मैं कहती हूँ टीवी एक्ट्रेसेस हैं, फिल्म की एक्ट्रेसेस हैं, किसी को इतना नहीं उछाला गया जितना मैं वीडियो से एस्ट्रोलॉजी के ऊपर देख रही हूँ। मैं नहीं समझ पाई उस लड़की ने 7-6, 7-8 साल की मेहनत करके काफ़ी मेहनत से अपना ये वो काम हासिल किया। और आप लोग ये जानते हैं कि अल्लाह पाक ने खुद फरमाया है कि मैं जिसे चाहता हूँ इज्जत देता हूँ और जिसे चाहता हूँ जिल्लत देता हूँ। अल्लाह पाक ने उसको इज्जत दी, अल्लाह जाने अल्लाह को उसकी कौन सी अदा पसंद है। मैं जैसे उनकी वीडियोस देखती हूँ तो उनमें वो रोज़े भी रख रही हैं, वो उनमें नमाज भी पढ़ती हैं, वो उनमें मिलाद भी करती हैं, एक लाइफ गुजार रही है। अब उसकी जिस तरह शादी हुई है वो अपने ससुराल वालों के साथ भी बड़े अच्छे तरीके से रह रही है, उनके साथ बड़ा अच्छा अपने मियाँ के साथ एक ज़िंदगी गुजार रही है। और जिस तरह मैं लोगों के व्यू सुनती हूँ उससे तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई बड़ी ही बेहया बद किरदार किस्म की लड़की है जो जो है कि वो माशरे को बिगाड़ रही है, हमारी बेटियों को बर्बाद कर रही है। खुदा रहा अपनी बेटियों को तरबियत दें कि वो इतने कच्चे जहन की ना हो कि वो अगर कोई किसी की कोई एक दो बातें देखती हैं। इस तरह तो इंडिया की फिल्म्स देखते हैं लोग, इस तरह तो पता नहीं क्या क्या माशरे में सुनने को आता है, तो हर कोई उसके पीछे किसी का मुँह लाल देख के आप अपने मुँह को थप्पड़ मार मार के लाल तो नहीं कर लेंगे ना। तो बेहतर यह कि अपने बच्चियों के दिमाग की तरबियत करें, उनके दिमाग को पुख्ता बनाएं कि वो कुछ भी चमक माशरे की चमक धमक देखकर उसके पीछे ना लग जाएं। और खुदा रहा सारे माशरे के बिगाड़ का इल्ज़ाम एक एस्ट्रोलॉजी के कंधे पे रखना जो है वो मेरे ख्याल में जायज़ नहीं है। मैं आप लोगों से ये नहीं कह रही हूँ, मैंने आपको यही कहा है कि मैं इस एस्ट्रोलॉजी को डिफेंड नहीं कर रही हूँ, बेसिकली इस सोच को डिफेंड कर रही हूँ कि आप लोग एक प्लेटफॉर्म है आपको मिला हुआ सोशल मीडिया का और आपको हज़ारों लोग देख रहे हैं और आप उस पर बैठ के किसी की इज्जतें उछाल रहे हैं। किसी का भी, मैं आपसे कहा ना एस्ट्रोलॉजी नहीं, किसी का भी आप बैठ के रोस्ट कर रहे हैं जी, तवा कर रहे हैं। रोस्ट बेसिकली ये क्या वर्ड है? रोस्ट इस्लाम में इसकी क्या इजाज़त है कि आप किसी की बैठ के इज्जतें उछालें? आप किसी अगर किसी में कोई बुराई देखे तो उसे ढांपें ताकि अल्लाह ताला आपकी बुराइयों को ढांपें, ना ये कि आप उसका सरेआम इश्तहार लगा रहे हैं। तो कहना आप लोगों से सिर्फ इतना सा है कि अगर किसी में कोई गुनाह कोई बुराई कोई चीज़ देखो तो उस गुनाह से नफ़रत करो, उस बुराई से नफ़रत करो, गुनाहगार से नफ़रत नहीं करो। आप बस यही आपसे कहना था कि हम किस नबी की उम्मत हैं। आप लोग जानते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी ईसाई से भी किसी क्रिश्चियन से किसी से बुरा सलूक नहीं किया, किसी के ख़िलाफ़ जुमलेबाजी ये चीज़ें नहीं की। और यही सिखाया है कि हर एक को अच्छाई से प्यार से, आपको पता है कि इखलाक की बुनियाद पर इस्लाम को जो है वो दुनिया में फैलाया गया है, आप अच्छे इखलाक के साथ, ना ये कि किसी को जो है वो किसी की इज्जतें उछाल के और किसी के सिर्फ व्यूज़ की खातिर। कि आप अगर उनको डिस्कस करेंगे तो आपके व्यूज़ बहुत अच्छे आएंगे, तो इन व्यूज़ की खातिर आप बैठ कर इतना हसास मामला, आपको पता है कि क़यामत में इसकी पकड़ है। मैंने आपसे फिर भी वही कहा है कि मेरा मकसद से एस्ट्रोलॉजी को डिफेंड करना नहीं है, मैं खुद भी खिलाफ हूँ। मैंने आपसे कहा कि शादियों पे जो डांसेस हो रहे होते हैं लड़कियाँ स्टेज पे, मुझे नहीं अच्छा लगता। हम औरतें हैं, हमारा क्यों हम मर्दों के सामने जाके नाचे, मुझे नहीं पसंद आता, ठीक है मानती हूँ। लेकिन फिर भी वही बात कहूँगी कि ओवरऑल आप डिस्कस कर सकते हैं उसको, आप उस चीज़ के खिलाफ कानून बना सकते हैं, इस्लाम का मुल्क है। लेकिन ये नहीं कि आप एक लड़की को पकड़ कर टोटल एक लड़की को टारगेट बनाया हुआ है कि वो ये इतने पैसे कमा रही है, वो ये कर रही है, वो डांस कर रही है, वो क्या बाकी कुछ हो कोई और किसी पाकिस्तान में शादी में डांस नहीं हो रहा? हज़ारों शादियाँ मैं खुद अटेंड की हैं जिन पर डांसेस हो रहे होते हैं। काश कि हमें इतनी अखलाकी जरूरत हो कि हम जो है वो एक कौमी सतह पर या वैसे हम इस चीज़ को बैन कर सकें कि जी इस्लामी मुल्क है हम नहीं करते। लेकिन आप लोग जो है वो कुछ और तो कर ना सकें, इंजॉय करें, पूरी पूरी वीडियोज़ देखें और फिर एंड में जो है वो उनकी बदकरदारी और जी बेहया हैं, इस्लाम के मुनाफिक काम कर रही हैं, इंडियन जो इंडिया वाले लोग हैं वो उनको उनकी तरह वाले काम कर रही हैं। हमारे कौन से काम इस्लाम की तरह के हैं मुझे ये बताएं? जहेज देना कहाँ से इस्लाम में है मुझे ये बता दें? कहाँ से मेहंदी की रस्म जो है वो पूरी जो आजकल ख़ास एक जुज़ बन चुकी है शादी की, वो इंडिया की नहीं है? हम क्योंकि हम साथ रहते हैं, हमारी कंट्री, हम बॉर्डर एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, तो बहुत सी चीज़ें जो है वो हमारे में उनकी आई हुई हैं। लेकिन इसका मकसद खैर ये नहीं है कि वही आपसे बात कही है कि किसी भी सब औरतें जो होती हैं वो इज़्ज़त के काबिल हैं। और अगर तो चलो कोई बहुत बुराई किसी में देखो भी आप तो बोलो भी,
तो उनमें कोई बहुत बद किरदारी नहीं है, एक लाइफ काटी है, बहुत मेहनत स्ट्रगल की है। इस एस्ट्रोलॉजी वाली जो इकरा है उसने कुछ 6-7 साल स्ट्रगल की है, हर प्लेटफॉर्म पे गई है, फिर उसने अपना नाम बनाया है, उसका बाप ने उसका साथ दिया, इसलिए वो सबकी नज़र में जो है वो ख़राब हो चुका है जी, कि वो तो बहुत ख़राब है। उसके बाप ने एतमाद दिया अपनी बेटियों को, साथ उनके शाना बशाना हर जगह पे साथ रहा है, थोड़ी आज़ाद ख्याली है उनमें, वो नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज उनमें कोई ऐसी किरदार की बुराई जो है वो नहीं देखी है कि उसको बैठ के जो है वो डिस्कस किया जाए और दुनिया के सामने उनकी इज्जत उछाली जाए। पाकिस्तान का इतना सॉफ्ट इमेज जो है वो डकी अगर देखा जाए, आज शावेर जाफरी आज ये लोग पाकिस्तान का इतना सॉफ्ट इमेज जो है वो पेश कर रहे हैं दुनिया में, अदरवाइज क्या पाकिस्तान का इमेज था जी, कि ये तालिबान हैं, ये दहशतगर्द हैं, ये ऐसे हैं। किसी आप दुबई जो एयरपोर्ट पे जाते थे तो आपको ऑलमोस्ट वो सारा नंगा करके आपकी तलाशी ले ले, मतलब ये पाकिस्तान के पासपोर्ट की कदर थी। एक सॉफ्ट इमेज पेश कर रहे हैं दुनिया में, अपना दिखा रहे हैं कि ये पाकिस्तान जो है वो इस तरह शादियां हैं, इस तरह सकाफत है, ये होटल्स हैं, ये चीज़ें हैं। तो सोशल मीडिया वाले भी अपना रिस्क रोटी कमा रहे हैं जैसे कि आप लोग कमा रहे हैं, सिर्फ यह कि वो अपनी लगन में लगे हुए हैं और आप उनकी इज्जतें उछाल के जो है वो अपने व्यूज़ को हासिल कर रहे हैं। कोशिश ये करें कि सब लोग रिस्क रोटी के लिए ही मेहनत करें, कौन इस तरह अदरवाइज कौन बैठ के यूट्यूब पे जो है वो डेली वीडियोस डालना, एडिट करना, करना एक बड़ी मेहनत का काम है। तो प्लीज़ सबकी मेहनत को सराहें और जितना हो सके प्लीज़ खुदारा सबको सिखाएं कि औरतों की इज्जत करें और अल्लाह पाक से दुआ करें कि हमारे माशरे में इस्लामी कवानीन आए। तो लेडीज़ के लिए चलो, जो आप लोगों को ख़ास तकलीफ़ है कि जी वो डांसेस करती हैं, ये है वो है, दुपट्टा लेडीज़ पे लाजिम करार दे दिया जाए, आप लोग दुआ करें अल्लाह पाक से कि इस तरह हो। और अगर फिर भी आपका दिल चाहता है तो ज़रूर अच्छी बात ज़रूर कहनी चाहिए, लेकिन इज़्ज़तें उछाल कर नहीं, तरीके से आप लोग उनसे मिल सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं, उन्हें अकेले में समझा सकते हैं कि जी हमें बहुत तकलीफ़ है कि आप ये सब काम कर रहे हैं, तो प्लीज़ ये काम ना करें। और बस यही आज आपसे कहना था मेरा, आज का व्लॉग आप लोगों को मुझे नहीं पता कैसा लगेगा, मैंने एक बस सुना बहुत ज़्यादा तो मुझे ऐसा अजीब सा लगा कि यार इतनी भी बुराई नहीं है, हर चीज़ में मैं वैसे भी मेरी आदत है पॉजिटिविटी देखने की, तो इतनी नेगेटिव उनके मुतलिक देख के तो बस मुझसे रहा नहीं गया। और मैंने आज की वीडियो सोचा कि क्यों ना मैं उन इसी चीज़ पर बनाऊँ कि खुदारा बेटियों की इज़्ज़तें, औरतों की इज़्ज़तें, बहनों की इज़्ज़तें इतनी नाजुक नहीं है कि उन्हें आप लोग सोशल मीडिया पर बैठ कर उछालें। कोशिश ये कीजिए कि अगर आप जो है वो अल्लाह पाक से दुआ करें, अल्लाह पाक हम सबको हदायत दे, हम सबको ऐसे काम करवाए जो अल्लाह की रज़ा के सबब हों, जिससे अल्लाह पाक जो है वो हमसे नाराज़ ना हो। मेरी भी दिल से दुआ है, आज का दिन जुमा है, हम सबको अल्लाह पाक जो है हमारे मुल्क में भी बल्कि इस्लामी कवानीन करे, लेकिन बहुत बहुत हद तक बिगाड़ है माशरे में, सिर्फ एक मतलब वो ज़िम्मेदार नहीं है, मेरा कहने का मकसद है बहुत बिगाड़ है हर जगह पे, कहीं धोखा देगी, नाप तोल में कमी है, रिश्वत है, कहीं कानून के निज़ाम देख लें, कहीं आप सोच नहीं सकते कितनी हद तक माशरे में, आप लोग जानते ही हैं क्या क्या चोरियां, क्या क्या मामले नहीं हैं। तो एक बंदी को पूरे माशरे का बिगाड़ का वो बना देना वो ठीक नहीं है। तो खुश रहें, खुशियाँ बांटिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए और प्लीज़ पॉजिटिव जो है वो सोच रखें, औरतों की इज्जत करें। और फिर आपसे किसी व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।